थ्री अंडर स्कोर एंड देन मैच इज एनी स्ट्रिंग ऑफ थ्री करेक्टर्स तो यहाँ पे क्या आएगा जो दो, दो आपके फिलअप दिए हुए हैं तो यहाँ पे क्या आएगा देखो दैटर्न थ्री अंडर स्कोर दिया हुआ है तो मतलब थ्री करेक्टर्स ही आएंगे तो so, क्या होगा एग्जेक्टली थ्री करेक्टर्स राइट एंड नेक्स्ट जो पैटर्न दिया हुआ है अंडर स्कोर परसेंट तो यहाँ पे क्या अंडर स्कोर थ्री अंडर स्कोर है मीन्स थ्री करेक्टर्स आएंगे एंड परसेंट मीन्स इसके बाद कोई भी सब स्ट्रिंग आ सकती है और उसके अंदर कितने भी नंबर ऑफ करेक्टर्स हो सकते हैं राइट right? तो यहाँ मैचेस एनी स्ट्रिंग ऑफ थ्री करेक्टर्स मतलब लेकिन क्या इसकी uh, जो इसकी दो करेक्टर और एक्स्ट्रा हो सकते हैं है, या कितने भी करेक्टर और एक्स्ट्रा हो सकते हैं लेकिन थ्री करेक्टर्स तो होंगे ही तो यहाँ पे आएगा एटलीस्ट समझ आया पैटर्न जो दिया हुआ था थ्री अंडर दिया हुआ था तो वहां पे इसका क्या मीनिंग है एग्जैक्टली थ्री करेक्टर्स ही आएंगे इसके अंदर ओके जो सेकंड दिया हुआ है आपका थ्री अंडर्स को एंड मीन इसके अंदर थ्री करेक्टर्स आएंगे और उसके बाद कोई भी सब स्ट्रिंग आ सकती है चाहे वो वन करेक्टर की सबस्ट्रिंग हो चाहे टू करेक्टर की सब स्ट्रिंग हो राइट right? तो यहाँ पे होगा एटलीस्ट थ्री करेक्टर्स ओके नाउ कंसिडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट वट टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज दिस आपको यहाँ पे स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि किस टाइप की स्टेटमेंट है राइट right? तो यहां पे आपकी स्टेटमेंट है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय ओके okay, तो क्या हो रहा है टेबल क्रिएशन हो रहा है जिसका नेम क्या है एम्प्लॉय उसके अंदर आपकी फील्ड से यहाँ पे जो क्रिएट कमांड है वो किसकी कमांड है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड है राइट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन सी कमांड होती है जो टेबल का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है कि हाउ यू विल क्रिएट द टेबल हाउ यू विल क्रिएट द डेटा बेस राइट तो इसका आपका आंसर क्या है बी और आपका फर्स्ट का भी था बी राइट ओके ऑपरेशन ऑफ टपल टू रिलेशन जहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास सारे टपल्स आ रहे हैं राइट right? और आपने क्या लिया टू टू रिलेशन टू टेबल्स लिए और उन, उन दोनों टेबल्स की रिकॉर्ड uh, और यू कैन से आपके पास टपल्स रिजल्टेंट टेबल में आ रही है रिगार्डलेस ऑफ वेदर देर एट्रीब्यूट वैल्यूज मैच और यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यूज मैच हो चाहे ना हो कॉलम की वैल्यू मैच हो चाहे ना हो ओके okay, दो टेबल के बीच में कोई रिलेशनशिप हो या ना हो वो फॉरेन की और प्राइमरी की को फॉलो करते हो ना ना करते हो लेकिन ऐसा ऑपरेशन जो यूज कर रहे हो अगर आप दो टेबल्स के बीच में तो क्या है आपके पास दोनों टेबल्स के दोनों टेबल्स की टपल्स का पेयर बन के आए तो ये कौन सा होता है ये होता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट राइट तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ ज्वाइनिंग एवरी रो इन वन टेबल विद एवरी रो इन अदर टेबल कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है जितने भी आपके जैसे दो टेबल्स हैं Let us suppose, और आप इन दो टेबल को ज्वाइन करेंटेशन प्रोडक्ट राइट रोज है, और इसके अंदर आपकी, टू रोज है. Fine. तो आपकी जो फर्स्ट रो है ओके okay, वो आ, इसकी फर्स्ट रो के साथ कनेक्ट होगी इसकी सेकेंड रो इसकी फर्स्ट रो के साथ कनेक्ट होगी इसकी थर्ड रो इसकी फर्स्ट रो के साथ कनेक्ट होगी इन द सेम वे सेकेंड फर्स्ट टेबल की फर्स्ट रो कनेक्ट होगी सेकंड से फिर इसकी सेकंड रो अगेन इसकी सेकंड से और फिर इसकी थर्ड रो इसकी थर्ड रो से राइट ये मैंने आ, वीडियोस बनाई हुई है इसके ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर आप देख सकते हो आप वहां से कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा राइट तो सिंपली क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है एक टेबल की जितनी रोज हैं वो कॉम्बिनेशन क्रिएट करती हैं कंबाइन होती हैं दूसरी टेबल की रोज के साथ राइट रिलेशन विच एंश्योर थ्रू इट्स वैल्यू डेट ईस्टल इज यूनिक इन रिलेशन वो कौन सी प्रोपर्टी होती है एक रिलेशन के अंदर एक टेबल के अंदर आपको पता है रिलेशन क्या होता है टेबल ओके विच एंश्योर डेट थ्रू इट्स वैल्यू की उसकी वैल्यू जो उस पर्टिकुलर कॉलम uh, की जो वैल्यूज है डेट ईस्ट टप्पल वो क्या कंसिडर uh, करती है कि जितने भी टप्पल है ओके okay. उनमें क्या है यूनिक वैल्यू है समझ आया देखो डैश इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर रिलेशन विच एंश्योर थ्रू इट्स वैल्यू डेट ईच टपल इज यूनिक इन अ रिलेशन मीन्स वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी की जैसे प्राइमरी की है प्राइमरी की क्या इंश्योर करती है प्राइमरी की के अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं वो यूनिक होती है राइट right? और वो एक रिकॉर्ड को या एक टपल को दूसरे टपल से डिफरेंशियट करती है जैसे आपने स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर लिया राइट right? तो अगर आपको क्या करना है रोल नंबर आपने लिया एज अ प्राइमरी प्राइमरी की प्रैम्री की क्या करेगी डिफरेंट स्टूडेंट्स विल हैव डिफरेंट रोल नंबर्स किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर एक दूसरे से मैच नहीं करेगा इससे क्या है जितनी भी टप्पल हैं वो यूनिक होंगी राइट right? वो एक दूसरे से आप उनको डिफरेंशियट कर सकते हो ओके okay? वट विल बी दर ऑफ द डेटा बिंग शॉर्टेड आफ्टर दूशन ऑफ द गिरी तो आपको बताना है आप रोल नंबर कॉलम में यूज कर रहे हो ऑर्डर बाय राइट अब यहाँ पे देखो आपने स्पेसिफाई नहीं किया है की असेंडिंग या डिसेंडिंग रोल नंबर किस में आए असेंडिंग में आए या डिसेंडिंग में आए तो बाय डिफॉल्ट अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो ऑर्डर बाय क्लॉस किस ऑर्डर uh, में अरेंज करता है असेंडिंग में राइट तो किस ऑर्डर में आएगा आपका असेंडिंग में आएगा फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज ओके नो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फंक्शन इग्नोर्स इग्नोर नल वैल्यूज अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप फंक्शन है जो नल वैल्यू को इग्नोर करता है तो यहाँ पे हमारे पास मैक्स फंक्शन है जो क्या एग्रीगेट फंक्शन है तो ये जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं वो नल वैल्यू को इग्नोर करते हैं राइट right? वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करते है. तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इग्नोर नल वैल्यूज तो ये तीनों ही इग्नोर करते हैं तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अब राइट याल वैल इन इनपुट कलेक्शन अभी मैंने बताया था कि जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है वो नल वैल्यू को काउंट नहीं करते नल वैल्यू को इग्नोर करते हैं लेकिन सिर्फ एक फंक्शन है एग्रीगेट का जो नल वैल्यू को क्या करता है काउंट करता है और वो कौन सा फंक्शन है काउंट स्टार राइट right? ये क्या करता है इट काउंट्स ऑल रोज इन द टेबल ये सारी रोज को काउंट करता है इंक्लूडिंग नल और नॉन नल वैल्यूज चाहे उन रोज में नल वैल्यू हो या नॉन नल वैल्यूज हो काउंट स्टार का अगर आप यूज करते हो तो वो टेबल की कंप्लीट रोज मतलब जितनी भी रोज है नल रोज है या नॉन नल रोज है सबको काउंट करता है फाइन नाउ इफ एसक्ल विद एस्किल हाउ यू कैन रिटर्न द नंबर ऑफ नॉट नल रिकॉर्ड इन द प्रोजेक्ट फील्ड नंबर ऑफ नॉट नल रिकॉर्ड्स मतलब जहां पे वैल्यू नल ना हो ऐसे रिकॉर्ड्स इन द प्रोजेक्ट फील्ड प्रोजेक्ट फील्ड में से एक और टेबल का नाम क्या है स्टूडेंट टेबल राइट तो यहाँ पे हम देखते हैं सिलेक्ट काउंट ओके प्रोजेक्ट अब काउंट क्या है काउंट है एग्रीगेट फंक्शन वो नल वैल्यू को काउंट करेगा ही नहीं राइट प्रोजेक्ट फील्ड प्रोजेक्ट कॉलम में से आप निकालो तो आपने किया सिलेक्ट काउंट प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट्स राइट right? तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट है अगर आप यहाँ पे ये तो देखो रॉन्ग है कॉलम्स तो काउंट करेगा नहीं और कॉलम्स भी नहीं काउंट करेगा काउंट स्टार में क्या है वो नल वैल्यू लेगा राइट right? तो यहाँ पे हमें नॉट नल रिकॉर्ड्स चाहिए तो हम जो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट काउंट और काउंट फंक्शन में आपने प्रोजेक्ट फील्ड को पास कर दिया फ्रॉम टेबल नेम तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट कॉलम के और यू कैन से प्रोजेक्ट फील्ड के नॉट नल रिकॉर्ड्स को काउंट करके बता देगा उंट द नंबर ऑफ रोज इन क्वेरी तो अगर आपको नंबर ऑफ रोज काउंट करना है ओके okay, अपने टेबल में राइट right? तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे तो हम यहाँ पे यूज करेंगे काउंट स्टार का काउंट स्टार का हमने क्यों यूज किया है क्योंकि स्टार टेबल की और उसको काउंट करेगा चाहे उसमें नल वैल्यू हो चाहे नॉन नल वैल्यू हो राइट right? ओके okay, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे काउंट स्टार फंक्शन का यूज करेंगे फाइन नाउ कंसीडर द फॉलोइंग क्वेरी राइट सिलेक्ट नेम फ्रॉम क्लास वेयर सब्जेक्ट डैश नल राइट right. तो यहाँ पे आप देखो विच कंपेरिजन ऑपरेटर में बी यूज टू फिल द ब्लैंक स्पेस इन द अब क्वेरी तो यहाँ पे नल है तो जब नल होता है तो हम क्या करते हैं इक्वल टू यूज नहीं करते सब्जेक्ट इक्वल टू नल नो लाइक भी नहीं करते हम क्या करते हैं इज नल और इज नॉट नल राइट right? तो कौन से कंपेरिजन uh, ऑपरेटर का यूज होगा आपका यहाँ पे नल के साथ हमेशा ही कौन सा कंपेरिजन ऑपरेटर यूज होता है इज नल और इज नॉट नल राइट वैल्यू को फाइंड करने के लिए कि वैल्यू नल है या वैल्यू नल नहीं है तो आप यूज करोगे इज नल और इज नॉट नल ओके ओके नाउ विच ऑफ द्वेरी एंड एरर तो आपको बताना है कौन सी क्वेरी के अंदर एरर है तो so, यहाँ पे हमारा होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी ई एम पी टेबल का नेम होगा वेयर ई एम पी आई डी इक्वल टू वन जीरो 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 थ्री राइट ये तो करेक्ट है सिलेक्ट ई एम पी आई डी फ्रॉम ई एम पी वेयर ई एम पी आई डीवल टू दिस राइट ये भी करेक्ट है फ्रॉम ई एम पी यहाँ पे ई एम पी आई डी कॉलम आ जाएगा वहां पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आएंगे आपका रिकॉर्ड ओके ना ई एम पी आई डी फ्रॉम ई एम पी सॉरी पी आई डी वेयर ई एम पी आई डी दिस एंड लास्ट नेम दिस कंडीशन तो दे दिए वेयर के साथ ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या मिस्टेक है यहाँ पे टेबल का नेम नहीं दिया है सिलेक्ट ई एम पी आई डी फ्रॉम ई एम पी वेयर ई एम पी आई डी इक्वल्स टू वन जीरो जीरो लास्ट ने राइट तो यहाँ पे फ्रॉम ई एम पी क्या है प्रेजेंट uh, नहीं है तो आपका जो क्या है एरर इस स्टेटमेंट में आपका एरर है तो हमें एरर वाला फाइंड आउट करना था तो ये हमारा रिजल्ट है ओके नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैविंग क्लॉज इन सिलेक्ट क्वेरी हैविंग क्लॉज का क्या मीनिंग होता है सिलेक्ट क्वेरी में हैविंग क्लॉज का किस लिए यूज किया जाता है हैविंग क्लॉज क्या करता है समरी ग्रुप्स जो ग्रुप्स बनते हैं टेबल के अंदर राइट ग्रुप बाय क्लॉज से जो आप ग्रुप्स बनाते हो हैविंग क्लॉज उन ग्रुप्स के ऊपर कंडीशन अप्लाई करता है राइट right? तो यहाँ पे टू फिल्टर आउट द समरी ग्रुप्स यस ये आपका करेक्ट आंसर है तो यहाँ पे क्या है हैविंग क्लॉज का क्या यूज है हैविंग क्लॉज की हेल्प से आप ग्रुप्स uh, के ऊपर लॉजिकल ग्रुप्स के ऊपर क्या कर सकते हो कंडीशन को अप्लाई कर सकते हो राइट टू फिल्टर आउट द समरी ग्रुप फाइन हेल्प से आप क्या कर सकते हो समरी ग्रुप के अंदर फिल्ट्रेशन कर सकते हो फिल्ट्रेशन मीन्स कंडीशन अप्लाई करके रिजल्ट आपको मिल जाएगा ओके इफ कॉलम सैलरी कंटेन्स द डेटा सेट दिस विल बी द द द आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ गिवन क्वेरी तो हमारे पास एक कॉलम दिया हुआ है जिसका जिसकी वैल्यूज है ये, तो आपको बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट दिया है कमांड दिया है उसके उसके एग्जीक्यूशन के बाद क्या रिजल्ट आएगा तो हम देखते हैं इसको सिलेक्ट सम यहाँ पे सम फंक्शन का यूज हो रहा है डिस्टिंक्ट सैलरी लेकिन सम समलरी uh, के साथ कौन सा कीवर्ड यूज किया डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज किया है तो डिस्टिंग की वर्ड क्या करेगा इट विल इलिमिनेट द डुप्लीकेट वैल्यूज इन द कॉलम सैलरी जो सैलरी कॉलम है उसके अंदर अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं तो उनको वो क्या कर देगा हटा देगा रिमूव कर देगा राइट फ्रॉम एम्प्लॉइज ओके तो यहाँ पे देखो फिफ्टीन थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस टेन थाउजेंड होगा अगेन फिफ्टीन थाउजेंड आया है तो डिस्टिंग कीवर्ड इसको हटा देगा तो टोटल आपका आ जाएगा फिफ्टी थाउजेंड राइट ओके एसक्ल अपलाईज कंडीशन ऑन द ग्रुप थ्रू एस्कुल को अगर क्या करना है ग्रुप्स पर कंडीशन को अप्लाई करना है तो वो डैश क्लॉज आफ्टर ग्रुप ग्रुप बनने के बाद कौन से क्लॉज का यूज करेगा ये मैंने अभी आपको बताया है कि ग्रुप बाय क्लॉज का यूज करके एसक्यूएल क्या करता है ग्रुप्स क्रिएट करता है ओके okay. और उन ग्रुप्स पे अगर कंडीशन अप्लाई करनी है तो कौन से क्लॉज का यूज करता है हैविंग क्लॉज का यूज करता है राइट right? नो, इफ कॉलम कॉलम मार्क्स हमारे पास मार्क्स नेम से और उसका उसके अंदर वैल्यूज है ये ओके वट विल बी आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन क्वेरी तो इस क्वेरी के एग्जीक्यूशन के बाद क्या आउटपुट आएगा सिलेक्ट मार्क्स राइट आपने मार्क्स को सिलेक्ट किया है डिस्टिंग फ्रॉम स्टूडेंट ओके okay, तो यहाँ पे मार्क्स क्या होंगे डिस्टिंक्ट होंगे ओके डिस्टिंक्ट मींस आप यहाँ पे वैसे यहाँ पे डिस्टिंक्ट uh, बाहर आएगा मार्क्स अंदर आएगा ये uh, गलत स्टेटमेंट दे रखिये डिस्टिंक्ट बाहर आना है मार्क्स अंदर आना है डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट राइट तो आप इससे समझो डिस्टिंक्ट की का क्या यूज है डिस्टिंग की की हेल्प से आप क्या डिस्टिंग की वर्ड क्या करता है डुप्लीकेट वैल्यूज को इलिमिनेट कर देता है तो ट्वेंटी फाइव आ जाएगा फिर आपका थर्टी आ जाएगा ये वाला ट्वेंटी कट थर्टी कट एंड थर्टी राइट डिस्टिंग वर्ड यहाँ पे मार्क्स अंदर आना है राइट right? और डिस्टिंक्ट बाहर आना है ओके okay? आप इसे समझ जाओ डिस्टिंग बाहर आना है डिस्टिंक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट तो रिजल्ट आपका ये है ट okay. फंक्शन तो आप किसके ऊपर अप्लाई करते हो ग्रुप्स के ऊपर अप्लाई करते हो और groups आप किससे क्रिएट करते हो ग्रुप बाय क्लॉज से क्रिएट करते हो तो एग्रीगेट फंक्शन किसके साथ यूज होंगे ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज होंगे एग्रीगेट फंक्शन हमेशा ग्रुप ऑफ Uh, जो टेबल के अंदर uh, जो डिफरेंट ग्रुप्स फॉर्म्स होते हैं उनके ऊपर आप एग्रीगेट फंक्शन को अप्लाई करते हो ग्रुप्स कौन क्रिएट करता है टेबल के अंदर ग्रुप बाय क्लॉज क्रिएट करता है राइट तो एग्रीगेट फंक्शन किसके साथ यूज होगा ग्रुप बाय क्लॉज के साथ नाउ द हैविंग क्लॉज डज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग क्लॉज क्या करता है एक्स एग्जैक्टली लाइक वेयर क्लॉज नहीं वेयर क्लॉज की तरह नहीं होता एक्स लाइक वेयर क्लॉज बट इज यूज फॉर कॉलम्स देन ग्रुप्स नाउ दिस इज ऑल्सो रॉन्ग नाउ एक्स लाइक वेयर क्लॉज एड करता है बट इज यूज फॉर ग्रुप रेदर देन रोज रोज राइट क्लॉस क्या करता है कंडीशन अप्लाई करता है वो क्या करता है कंडीशन अप्लाई करते हैं ग्रुप्स ऑफ टपल्स राइट बट इज यूज फॉर ग्रुप्स रेदर देन रोज तो यहाँ पे जो having clause है ग्रुप के ऊपर वर्क करता है ओके okay? रोज पे वर्क नहीं करता इंडिविजुअल रोज पे वर्क नहीं करता तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है

जो कॉलम है जिसका नाम फर्स्ट नेम है उसकी जितनी भी वैल्यूज है वो किससे एंड हो ए से एंड हो फाइन तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे आप यहाँ पे करोगे ऑप्शन सी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम में आप करोगे कंडीशन अप्लाई करोगे वेयर फर्स्ट नेम लाइक लाइक में आपने क्या दिया यहाँ पे दिया परसेंट ए परसेंट का मतलब तो कोई भी सबस्टिंग राइट इससे पहले कोई भी सबस्टिंग हो और एंडिंग आपने क्या दिया है ए लेकिन एंडिंग किससे होगी लेटर ए से राइट परसेंट ए मीन्स ए से पहले कोई भी सबस्ट्रिंग हो सकती है लेकिन एंड किससे होगा ए से तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ओके नाउ विच ऑफ द फोलोइंग यू यूज इन द्वारा वैल्यूज ऑफ द कॉलम डिपार्टमेंट तो अगर आपको डिपार्टमेंट में से यूनिक वैल्यूज निकालनी है तो आप कौन से की का यूज करोगे राइट right? कौन से कीवर्ड का यूज करेंगे हम यहाँ पे डिस्टिंग कीवर्ड का करेंगे सिलेक्ट डिस्टिंग डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम कंपनी तो डिपार्टमेंट क्या में जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज होगी वो क्या होगी इलिमिनेट हो जाएगी फाइन नाउ कंसिडर अ टेबल विद द स्ट्रक्चर एस तो हमारे पास टेबल का स्ट्रक्चर दिया हुआ student, ID, student है स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट के अंदर कॉलम्स क्या है आई डी नेम डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नेम एंड टोटल राइट इन दिटरी की बनानी हो तो आप कौन से बनाओगे यहाँ पे हम आईडी को एट्रीब्यूट बनाएंगे क्योंकि ये जो आई डी है वो क्या करेगा यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा राइट तो जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका आईडी सेम नहीं होगा तो यहाँ पे आपका आईडी क्या बनाओगे आप एज अ प्राइमरी की प्राइमरी की उस कॉलम को बनाया जाता है जो यूनिक वैल्यूज कंटेन करता है और जिस और जो नल वैल्यूज कंटेन नहीं करता फाइन With A? तो आप पे क्या करना है आपको वो रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने स्टूडेंट के जिनके लास्ट नेम में क्या हो फाइव लेटर्स हो और जो एंड का लेटर हो वो ए हो समझ आया फाइव लेटर्स का नेम होना चाहिए और एंड का लेटर है वो क्या हो ए तो जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको देखते हैं फ्रॉम स्टूडेंट ओके वेयर एल नेम लास्ट नेम था एल नेम लाइक तो कंडीशन क्या है फाइव लेटर का नेम है और एंड का लेटर क्या है ए तो यहाँ पे देखो आपने वन टू थ्री फोर फोर अडर दे दिए मीन्स इसके अंदर फोर करेक्टर्स आएंगे एंड एंड में आपने दे दिया ए ए मीन्स उसका एंडिंग करेक्टर क्या है ए है तो आपका जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट है

ऑर्डर में शॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करेगा ओके okay? विच ऑपरेटर परफॉर्म्स मैचिंग कौन सा ऑपरेटर परफॉर्म करता है लाइक ऑपरेटर परफॉर्म करता है अभी हमने क्या था लाइक like, आप लाइक like के बाद स्पेसिफाई कर सकते हो अंडर स्कोर ठीक है लाइक अंडर स्कोर कोई भी पर्टिकुलर uh, वो ले रहे हैं तो कौन सा ऑपरेटर यूज होता है लाइक ऑपरेटर फाइन विच ऑफ दब लैंग्वेजेस ऑफ एस क्यूएल इज यूज टू क्वेरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटा एंड टू इंसर टपल्स इन टू डिलीट टपल्स फ्रॉम ओके एंड मोडिफाइड टपल्स इन द डेटाबेस तो यहाँ पे हम एसक्यूएल की कौन सी क्वेरी का यूज करते हैं किस लिए टपल्स को इंसर्ट करने के लिए डिलीट करने के लिए मॉडिफाई करने के लिए तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो आप राइट right? जो टेबल्स के अंदर डेटा है उनको मैनिपुलेट कर रहे हो रिकॉर्ड्स को टपल्स को मैनिपुलेट कर रहे हो उनको इंसर्ट कर रहे हो रिकॉर्ड्स uh, को डिलीट कर रहे हो मॉडिफाई कर रहे हो तो यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज होगी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज राइट क्योंकि यहाँ पे डेटा का मैनिपुलेशन हो रहा है तो

एक लेन के अंदर एक टेबल के अंदर एक कॉलम फॉरन की तब होता है इफ इट इज द प्राइमरी की इन एनी अदर रिलेशन अगर वो प्राइमरी की है किसी और दूसरे टेबल के अंदर राइट नाउ द कमांड यूज फॉर मॉडिफाइंग द रिकॉर्ड इज अगर आपको अपने क्या जो टेबल के अंदर रिकॉर्ड है उनको क्या करना है मॉडिफाई करना है चेंज करना है अपडेट करना है तो आप कौन से कमांड्स का यूज करते हो आप करते हो अपडेट कमांड का यूज Fine. The 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 update update command specifies the rows to be changed using using where clause clause. and the new data is entered using the set clause. So, update command क्या करता है उन रोज को चेंज करता रोज को चेंज करता है कैसे बायजिंग दॉस एंड न्यू जो डेटा एंटर करता है बाई यूजिंग द सेट की वर्ड राइट मै बी ये आपने प्रैक्टिकली जब अपडेट किया है तब आप देख सकते हैं कैसे करना है राइट right? Aggregate functions can be used in the select list or dash clause of a select statement. Okay, तो so, aggregate function किसके साथ use होते हैं Aggregate function use होते हैं having के साथ They cannot be used with dash clause. वो किसके साथ use नहीं हो सकते where के साथ तो हमारा answer क्या है B कि aggregate function किसके साथ use होंगे having के साथ and they cannot be used with the where clause, right? ओके ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन इनमें से कौन सा फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन नहीं है सम एग्रीगेट फंक्शन है काउंट एग्रीगेट है एंड आपका एवरेज भी एग्रीगेट फंक्शन है राइट right? तो जो आपका आंसर है वो राउंड फंक्शन है क्योंकि राउंड क्या है मैथमेटिकल फंक्शन है विच इज यूज टू राउंड ऑफ ऑफ अ नंबर इसका किस लिए यूज किया जाता है किसी भी नंबर का राउंड ऑफ करने के लिए राइट right? तो ये मैथमेटिकल फंक्शन है बट यहाँ पे आपका सम काउंट एंड एवरेज क्या है एग्रीगेट फंक्शन है राइट right? तो आपका आंसर क्या है राउंड क्योंकि आपसे पूछा गया था नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन राइट नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट स्टेटमेंट व्हाट टाइप ऑफ इज दिस तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट है तो आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट है फ्रॉम एम्प्लॉय तो ये जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट ये कौन सी स्टेटमेंट होती है ये होती है हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट राइट तो आपका आंसर है डीएमएल

द टर्म डैश इज यूज टू रेफर टू इन अ टेबल टेबल के अंदर जो फील्ड होता है उसे हम उसके दूसरे नेम से क्या जो उसका दूसरा नेम क्या क्या हो सकता है एट्रीब्यूट राइट right? और कॉलम राइट right? तो यहाँ पे क्या है एट्रीब्यूट हम किसके लिए यूज करते हैं फील्ड के लिए यूज करते हैं कॉलम के लिए यूज करते हैं राइट रिलेशनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है वो किसका कलेक्शन होता है रिलेशंस रिलेशंस का मींस टेबल राइट एंड इट आल्सो स्पेसिफाई द द रिलेशनशिप अमंग टेबल्स राइट रिलेशनल डेटाबेस ये भी बताता है कि जो टेबल्स उसके अंदर स्टोर की जाती है उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है राइट नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल डीडीएल की क्या फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज राइट आपको रिकॉर्ड को एक दूसरे नेम से बुलाना है तो कौन सा टर्म आप यूज करोगे यहाँ पे रो और रिकॉर्ड को वैसे टप्पल भी बोलते हैं राइट टपल भी बोलते है तो यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन है टपल एंड रो ओके द टर्म टपल और रो इज यूज टू रेफर टू अ रिकॉर्ड इन अ टेबल तो यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट हैं फाइन नाउ द डेटा टाइप्स कैर एंड वेर कैर आर यूज टू क्रिएट अगर आपने कैर यूज किया है तो आपका क्या होगा फिक्स्ड और अगर आपने वेर कैर किया है तो आपका कैसा uh, ये क्रिएट करेगा वेरिएबल टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग फील्ड इन द डेटाबेस देखो अगर आपने किसी भी कॉलम को या फील्ड को आप स्पेसिफाई करते हो कैर तो कैर मतलब कैर के अंदर आपने जो भी एन स्पेसिफाई किया है एन की वैल्यू टेन है अगर टेन है तो ये टेन बाइट ही ऑक्यूपाई करेगा चाहे आप उसके अंदर फोर करेक्टर्स का वैल्यू डालो चाहे फाइव करेक्टर्स का वैल्यू डालो राइट इसके अंदर टेन वैल्यूज ही ऑक्यूपाई करेगा ये जो आपने डेटा टाइप दिया है राइट तो इससे क्या होता है ये फिक्स होता है वेर केयर में क्या है अगर आपने वेर केयर को टेन स्पेसिफाई कर दिया कि इट इज ऑफ टेन बाइट्स राइट आप इसके अंदर टेन बाइट करेक्टर्स आप इसके अंदर डाल सकते हो ओके okay? लेकिन अगर आपने फाइव करेक्टर वेयर केयर में डाले हैं तो रेस्ट जो मेमरी एरिया है मतलब रेस्ट फाइव बाइट्स हैं वो रिलीज हो जाएंगे ओके okay? तो आपने जितना ऑक्यूपाई किया सिर्फ उतना ही यूज होगा बाकी रिलीज हो जाएगा राइट मेमोरी स्पेस रिलीज हो जाएगा तो आपका वेर केयर क्या है वेरिएबल है वेरिएबल मतलब दैट इज नॉट फिक्स्ड ओके तो केयर क्या है फिक्स्ड डेटा टाइप है जितने जितनी वैल्यू आप स्पेसिफाई करोगे उतनी उतनी मेमोरी uh, स्पेस वो ऑक्यूपाई करेगा फाइन और वेर केयर क्या है वेरिएबल डेटा टाइप है आप जितना भी स्पेसिफाई कर लो टेन ट्वेंटी इसमें ट्वेंटी बाइट्स आ जाए थर्टी बाइट्स आ जाए बट जितना आपने यूज किया है फाइव बाइट्स यूज किया है सिक्स बाइट्स यूज किया है रेस्ट ऑफ द जो बाइट्स होंगे वो क्या कर देगा ये रिलीज कर देगा ओके okay? Which of the following function is used to find the largest value from the given data in MySQL? MySQL के अंदर अगर आपको largest value find out करनी है right? Uh, तो आप किस function का use करते हैं तो largest value find out करने के लिए हम लोग max function का use करते हैं okay? Now the dash clause of select query allows us to select only those rows in the result that satisfy a specified condition. तो ऐसा कौन सा clause है राइट right, ऐसा कौन सा क्लॉज है क्वेरी का जो क्या करता है अलाउस टू सिलेक्ट ओनली दो रोज सिर्फ वही रोज हमें करने के लिए अलाउ करता है इन द रिजल्ट दैट सेटिस्फाई अ स्पेसिफाइड कंडीशन वही रोज आपके पास आएंगे जो एक पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही करिए राइट right, तो यहाँ पे हमारा कौन सा क्लॉज है जो सिलेक्ट के साथ यूज होता है वेयर क्लॉज जो क्या करता है वो स्पेसिफाई करता है कंडीशन अगर कंडीशन ट्रू उस कंडीशन के बेस पर ही आपकी रिकॉर्ड या टपल्स क्या होती है डिस्प्ले होती है फाइन

अब ये क्या कह रहा है फॉर ईच एट्रीब्यूट ऑफ रिलेशन जो रिलेशन मतलब टेबल के अंदर एटीब्यूट होते हैं एट्रीब्यूट मतलब कॉलम्स होते हैं ओके वो अपनी वैल्यूज एक पर्टिकुलर uh, uh, क्या करते हैं एक पर्टिकुलर आप क्या बोलोगे एक सेट ऑफ वैल्यूज से अपनी वैल्यूज को एक्सेस करते हैं ठीक है एक टेबल है उसके अंदर कॉलम्स है तो वो जो कॉलम्स है वो वैल्यूज को कहाँ से लेते हैं एक सेट ऑफ वैल्यूज से लेते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं एक कलेक्शन ऑफ वैल्यूज मतलब एक एरिया होता है जहाँ पे वैल्यूज होती है उस एरिया को हम बोलते हैं डोमेन राइट right? एक पर्टिकुलर डोमेन मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस uh, है जहां पे कुछ वैल्यूज हैं पर्टिकुलर वैल्यूज हैं राइट तो इस स्पेस को क्या बोला जाएगा डोमेन जहां से uh, जो टेबल के कॉलम्स होते हैं वो अपनी वैल्यूज को एक्सेस uh, करते हैं और यू कैन से लेते हैं फाइन देखो दे इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यूज एक सेट है जिसके अंदर कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं परमिटेड वैल्यूज अलाउड वैल्यूज है जो राइट uh, right? एक पर्टिकुलर टेबल uh, के लिए ही है ओके okay, वहां से फील्ड्स क्या करते हैं अपने वैल्यूज को लेते हैं और इस पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज को कहा जाता है डोमेन राइट विच कमांड इज यूज टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो आप कौन सी कमांड का यूज करोगे तो ये हम करते हैं डिस्क्राइब और हम इसको सिंपल डीईएससी कर देते हैं पूरा नहीं लिखते डीईएससी एंड टेबल नेम राइट एंड सेमी सेमिकॉलर राइट तो आपका टेबल का स्ट्रक्चर आ जाता है विच ऑफ दॉटीएम कमांड इसमें से कौन सी डीएमएल कमांड नहीं है तो सिलेक्ट आपकी डेटाट भी आपकी डीएमएल है राइट right? अपडेट भी आपकी डीएमएल है तो कौन सी कमांड नहीं है ड्रॉप कमांड नहीं है ड्रॉप कमांड इज नॉट अ डीएमएल कमांड राइट ड्रॉप से क्या होगा कम्प्लीट टेबल आपकी क्या होगी डिलीट हो जाएगी तो ड्रॉप आपकी क्या है डी डी एल कमांड है नीच ऑफ द फोलोइंग इज अ डीएमएल कमांड इनमें से कौन सी डीएमएल कमांड है तो अभी मैंने बताई तो ये सारी की सारी डीएमएल कमांड है सिलेक्ट भी डी एम एल है अपडेट भी डीएमएल है और इन सर्ट भी डीएमएल है राइट तो आपका आंसर है ऑल ऑफ दीज ओके अ नॉन की की एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर फ्रॉम द प्राइमरी ऑफ सम अदर टेबल ऐसा ऐसा कॉलम जिसकी वैल्यू कहाँ से आ रही है जिसकी वैल्यू आ रही है प्राइमरी की से किसी और टेबल की प्राइमरी की से तो ऐसे कॉलम को हम क्या बोलते हैं ऐसे कॉलम को बोलते हैं फॉरन की फॉरन की वो कॉलम होता है किसी भी टेबल का जो अपनी वैल्यूज कहा से एक्सेस करता है दूसरी टेबल की प्राइमरी की से एक्सेस करता है और यू कैन से वैल्यूज को वो दूसरी टेबल की प्राइमरी की से लेता है फाइन हाउ मेनी प्राइमरी कैन हैव इन अ टेबल एक टेबल के अंदर कितनी प्राइमरी की हो सकती है एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है अब प्राइमरी की चाहे सिंगल कॉलम से बनी हो चाहे मल्टीपल कॉलम से बनी हो राइट right? मतलब एक प्राइमरी की क्या है एक कॉलम से बनी हो चाहे उसके अंदर चार कॉलम्स का एडिशन हो कॉन हो लेकिन प्राइमरी की होगी एक ही राइट right? जिसकी हेल्प से आप एक या एक से, मतलब एक या एक से ज्यादा टेबल के रिकॉर्ड को कम्बाइन कर सकते हो राइट तो कौन सी कम, कमांड होती है हमारी ज्वाइन ज्वाइन क्या होती है ज्वाइंट कमांड इज यूज विथ दिलेक्ट स्टेटमेंट टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल ज्वाइन जो कमांड है उसका यूज करके आप मल्टीपल टेबल से डेटा को क्या कर सकते हो रिट्राइव कर सकते हो एक्सेस कर सकते हो ओके तो मल्टीपल टेबल से रिकॉर्ड्स को कम्बाइन करके डिस्प्ले कराती है राइट नाउ हाउ कैन यू चेंज द थॉमस इन टू मिकल इन द लास्ट नेम आपको क्या करना है लास्ट नेम में जो थॉमस है वर्ड uh, उसको मिकेल में चेंज करना है इन द लास्ट नेम कॉलम इन द यूजर्स टेबल ओके okay, तो हमें यहाँ पे रिकॉर्ड को चेंज करना है तो हम कौन से कमांड का यूज करेंगे अपडेट का करेंगे राइट right? तो अपडेट यूजर्स टेबल का नेम क्या है यूजर्स अपडेट यूजर्स सेट लास्ट नेम मिकेल हमें लास्ट नेम क्या करना है मिकेल करना है ओके वेयर लास्ट नेम इज वेयर लास्ट नेम इक्वल्स टू थॉमस तो ये आपकी क्या है कमांड है 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 लगा दो ठीक अपडेट यूजर्स यूजर्स क्या टेबल का सेट लास्ट राइट वट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी की एंड अ यूनिक की प्राइमरी की क्या है, है तो प्राइमरी की right? और की में क्या डिफरेंस है प्राइमरी की कैन स्टोर नल वैल्यूज नो तो ये तो पहला नल वैल्यू से ही कर,

सिर्फ क्या होगा सिर्फ एक ही प्राइमरी की होगी मल्टीपल यूनिक कीज हो सकती हैं और इसकी एक और क्या होती है प्राइमरी की डज नॉट कंटेन नल वैल्यूज वेयर एस यूनिक नल वैल्यूज राइट नेक्स्ट क्या है प्राइमरी की कैन नॉट बी डेट कैन नॉट बी अ डेट वेरिएबल वेयर एस यूनिक ये तो रॉन्ग है राइट right? तो जो ऑप्शन आपका क्या है सेकेंड करेक्ट है फाइन

बसेंट तो ये आपका कैरेट ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे देखो नेम किससे स्टार्ट हो रहा है p से और आपने उसके बाद दे दिया परसेंट परसेंट मींस आप p के बाद कोई भी सबस्ट्रिंग हो सकती है जिसमें चाहे दो करेक्टर हो चाहे तीन करेक्टर हो चाहे चार करेक्टर हो मतलब कोई भी नहीं ओके okay? तो आपकी जो क्वेरी स्टेटमेंट है वो है स्लैश स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक p ओके विद इन कोट्स p परसेंट फाइन This video ends here. If you like my video, please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you.